महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा हम वापस लखनऊ चलते हैं। आओ रुक जाइए, मैं देवी विशालाक्षी मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ, इस बच्चे को देवी माँ के दर्शन कर लेने दीजिए। देखिए पुजारी जी, हमें कोई दर्शन नहीं करने। आओ सोनी बेटी तुम चलो। देखिए ये बच्ची देवी माँ के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। विशालाक्षी मंदिर में आज एक भक्त कन्या उनके दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो रही थी। उस भक्त कन्या को देवी के विधिवत दर्शन कराए गए, तब कहीं जाकर मंदिर के द्वार बंद हो पाए। से मेरा नाम सत्यवती है, इस दुर्गंध के कारण कोई मेरे निकट भी नहीं आता। उसका और पराशर ऋषि का पुत्र महान वेदवेता व्यास बने। मैं तुम्हें जितना ज्ञान दे सकता था वो मैंने तुम्हें दे दिया, परंतु तुम्हें अभी और ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए तुम्हें भगवान शिव की नगरी काशी जाना होगा और उन्हें अपना गुरु मान करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना होगा। पिताजी फिर तो मैं इसी समय प्रस्थान करता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपके जल को स्पर्श कर आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे अपने जल में स्नान करने की अनुमति दें। जय माँ गंगे। राम राम भैया। राम राम। मैं कब से देवादिदेव शिव जी को ढूंढ रहा हूँ। देवादिदेव शिव जी यथा भोले बाबा। हाँ, क्या मुझे उनका पता बता सकते हैं? वो तो रमता जोगी और बहता पानी है, आज यहाँ है तो कल कैलाश में, नहीं तो उज्जैन में, वो तो कहीं भी चले जाते हैं। पर पिताजी तो कह रहे थे काशी नगरी उनका धाम है। हाँ, तुम्हारे पिताश्री सत्य बोल रहे थे, उनका भवन काशी विश्वनाथ है, यदि तुम्हें उनसे मिलना है तो जाओ उनका आह्वान करो। ठीक है भैया, मैं पूरी भक्ति शक्ति के साथ शिव जी की आराधना करूंगा। धन्यवाद भैया। हे प्रभु, अपने भक्त व्यास का प्रणाम स्वीकार करें। हे त्रिलोचधारी, हे त्रिनेत्रधारी, मैं आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ, कृपया करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। तुम कौन हो? प्रातः से मैं तुम्हें शिव जी का पूजन करते हुए देख रहा हूँ, और अब तो मंदिर का द्वार बंद होने की बेला भी आ गई है। पुजारी जी, मैं अपने भगवान आशुतोष को ढूंढ रहा हूँ। जब तक मेरी भेंट उनसे नहीं हो जाती, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरे पिताश्री ने उनसे मुझे मिलने के लिए भेजा है। यदि भगवान भोलेनाथ तुमसे मिलना चाहेंगे तो तुमसे कहीं भी मिल सकते हैं। उनसे मिलने के लिए मंदिर में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, हे त्रिनेत्रधारी, जब तक आप मुझे अपने दर्शन नहीं देंगे, मैं आपके मंदिर में नित्य आता रहूंगा। पंडित जी प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। जाओ बाबा, जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ बाबा। यदि भगवान भोलेनाथ तुमसे मिलना चाहेंगे वो तुमसे कहीं भी मिल सकते हैं। उनसे मिलने के लिए मंदिर में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे देख, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जितने पैसे कमा के लाऊं सब हजम करती चली जाती है। हाँ, जैसे कि मैं तो सारे पैसे तुम्हारे मैं ही खा जाती हूँ ना। भिक्षा देही, भिक्षा देही। अरे भिक्षा मी देही, यहाँ खुद खाने को नहीं है और चले आए हाथ फैला के। जाओ जाओ, कहीं और मांगो भिक्षा। यदि भगवान भोलेनाथ तुमसे मिलना चाहेंगे वो तुमसे कहीं भी मिल सकते हैं। उनसे मिलने के लिए मंदिर में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। आ जाते हैं, अरे कहाँ कहाँ से। आओ बंधु, आओ, आओ। तुम भी मान सर मदिरा का लुत्फ उठाओ। लो लो। यदि भगवान भोलेनाथ तुमसे मिलना चाहेंगे वो तुमसे कहीं भी मिल सकते हैं। उनसे मिलने के लिए मंदिर में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे जाओ बाबा, जाओ जाओ, कहीं और मांगो भिक्षा। लोगों ने तो अन्न का एक दाना भी नहीं दिया, द्वार से भूखा ही लौटा दिया। हे गंगा मैया, अब तेरे पावन जल का ही आसरा है। बहुत प्यास लगी है,
जल पीकर ही अपनी प्यास बुझा लेता हूँ, पानी ही पी लेता हूँ। ये क्या? इतना दूषित पानी? हे आशुतोष, हे अवडरदानी, तुम्हें सब अवडरदानी कहते हैं। दोनों हाथों से दान देने वाले कहलाते हो। तुम्हारी इस काशी नगरी में मुझे धन का एक दाना भी प्राप्त नहीं हुआ। हे त्रिलोचन, हे भोलेनाथ, ये वशिष्ठ का प्रपौत्र व्यास तुम्हारी नगरी में तुम्हारा शिष्य बनने के लिए आया, तुम्हें अपना गुरु बनाने के लिए आया। तुमसे तुम्हारी नगरी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया। तुम तो मिले नहीं, परंतु तुम्हारी नगरी में मुझे अन्न का एक दाना भी प्राप्त नहीं हुआ। और यहाँ तक कि तुम्हारी इस प्रिय गंगा, इसने भी मुझे मेरी प्यास बुझाने से इनकार कर दिया। इसीलिए देवेश्वर, ना मुझे वन का दाना चाहिए, ना ही जल। ये ऋषि व्यास आज तुम्हारी काशी नगरी में भूखा प्यासा है, और आज वो तुम्हारी इसी काशी नगरी में अपने प्राण त्याग देगा। ये क्या हो रहा है? ये अकस्मात मेरा इंद्रलोक और मेरा इंद्रासन क्यों डोलने लगा? ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है कि उन्हें कोई तपस्वी मेरे इंद्रलोक के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। कि तू कौन हो सकता है? नारायण नारायण। देवर्षि आप? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवराज। देवर्षि, ये अकस्मात मेरा इंद्रलोक क्यों डोल उठा? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, पराशर पुत्र व्यास जी के कारण ये सब हो रहा। व्यास जी के कारण? हाँ देवराज। मेरे आश्रम में तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी, परंतु तुम्हें अभी और ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए तुम्हें भगवान शिव की नगरी काशी जाना है और उन्हें अपना गुरु मानकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना। फिर तो मैं इसी समय प्रस्थान करता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। यदि भगवान भोलेनाथ तुमसे मिलना चाहेंगे तो तुमसे कहीं भी मिल सकते हैं। इनसे मिलने के लिए मंदिर में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ऋषि व्यास आज तुम्हारी काशी नगरी में भी मुका प्यासा है, और आज तुम्हारी काशी नगरी में अपने प्राण त्याग देगा। किंतु देव ऋषि, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, भोलेनाथ ने ऋषि कुमार को दर्शन क्यों नहीं दिए? नारायण नारायण, इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवराज जी? भोलेनाथ की लीला बड़ी ही विचित्र होती, वो कब कहां कैसे किसको दर्शन दे ये स्वयं भोलेनाथ ही जाने। नारायण नारायण। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र ही भ्रमण करते रहते हैं, तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए कि भोलेनाथ है कहां। नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है। भोलेनाथ समाधि में लीन है? ये तो बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है देवऋषि। अब क्या होगा देवऋषि? यदि ऋषि कुमार ने भूख प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए तो अनर्थ हो जाएगा।
देवशी, अब आप ही कोई मार्ग बतलाए। देवशी, आप ही इसी समय जाकर ऋषि कुमार के लिए उत्तम भोजन का प्रबंध कराएं। नारायण नारायण, देवराज मैं कदापि उनके समक्ष नहीं जाऊंगा। इस घड़ी वे बड़े ही क्रोधित हैं और ऐसे घड़ी में उनके समक्ष जाने का दुस्साहस मैं नहीं कर सकता। मुनि भाई, पुनः एक ही उपाय शेष है। यदि किसी प्रकार व्यास जी के पिता ऋषि पराशर तक की सूचना पहुंच जाए तो तभी कुछ होना संभव है। नारायण नारायण, आप चिंता ना करें देवराज, ये संदेश मैं ऋषि पराशर तक अवश्य पहुंचाऊंगा। गुरुजी, 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 प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ? वो बात यह है कि संकोच कहो। बड़ा ही अनर्थ होने वाला है गुरुदेव, काशी में मित्र व्यास भूख से मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। अच्छा शिष्य, ये महायज्ञ होने जा रहा है, इसके लिए हमें हवन सामग्री और प्रचुर मात्रा में भोजन की व्यवस्था करनी है। इतनी बड़ी घटना घटित होने वाली है हमारे मित्र के साथ, और गुरुवर को अपने पुत्र की तनिक चिंता भी नहीं। गुरुदेव, आपको अपने पुत्र की तनिक भी चिंता नहीं, कुछ कीजिए हमारे मित्र व्यास के लिए। आपको ये कैसे ज्ञात हो गया कि भूख और प्यास के कारण व्यास का जीवन समाप्त होने वाला है? हम लोगों को स्वयं देवर्षि नारद जी ने बताया था। हाँ, उद्यान में जब हम पुष्प चुन रहे थे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, आज आप इस उपवन में? कोई विशेष उद्देश्य? आप दोनों यहाँ अपने गुरु जी के पूजा पाठ के लिए पुष्प तोड़ रहे हैं, और वहाँ आपके मित्र अर्थात गुरु पुत्र व्यास के प्राण संकट में हैं। हमारे मित्र व्यास के प्राण संकट में? ऐसा क्या हो गया उन्हें? उन्हें काशी में किसी ने भिक्षा नहीं, गंगा का जल पीने का प्रयास किया, परंतु वो भी दूषित था, इसलिए व्यास क्रोधित होकर अपने प्राण त्यागने के लिए। ये तो बड़ा अनर्थ ही हो जाएगा। शीघ्र चलो गुरु जी के पास, उन्हें इसकी सूचना देनी होगी। हाँ, हमारे मित्र के प्राण संकट में है। कल्याण हो। नारायण नारायण। शीघ्र कुछ कीजिए गुरुदेव, मित्र व्यास के प्राणों पर संकट है। हाँ गुरुदेव, वस्तु तुम व्यर्थ चिंता कर रहे। काशी स्वयं आशुतोष की नगरी, और व्यास वहाँ उनके शिष्य बनने गए हैं। ऐसा क्या है गुरुदेव भोलेनाथ की नगरी में, हमें भी बताइए। काशी नगरी आशुतोष की प्रिय नगरी, ऐसी मान्यता है के प्रलय काल में उन्होंने काशी नगरी को अपने त्रिशूल में उठा लिया था, और सृष्टि काल में और उसे त्रिशूल से उतार कर पृथ्वी पर ले आए थे। ऐसी नगरी में शिव भक्त का हित कैसे हो सकता? तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो, उसकी चिंता तो स्वयं भगवान करें। भोले शंकर, अवश्य यह कोई उनकी लीला होगी, वत्स के प्राणों को कोई कष्ट नहीं हो। प्रभु यहाँ पे भी नहीं है तो फिर कहाँ हो सकते हैं? कहीं गुप्त प्रवास में तो नहीं है? कदाचित गुप्त काशी में हो। प्रणाम प्रभु। स्वामी उठिए, आप यहाँ समाधिस्थ हैं और वहां आपका एक भक्त आपकी काशी में भूख के कारण अपने प्राण त्याग रहा है। अपने नेत्र खोलिए स्वामी, स्वामी अपने नेत्र खोलिए स्वामी, स्वामी।
किया। मैं प्रभु को स्पर्श नहीं कर पा रही हूँ। देवी सती, मुझे ज्ञात है मेरी प्रिय नगरी काशी में मेरा भक्त भूख प्यास से व्यथित होकर प्राण त्यागने की ठान बैठा है और आपका मात्र हृदय उसके लिए व्याकुल हो उठा है। देवों की नगरी काशी में यदि ऋषि कुमार भूख प्यास से अपने प्राण त्याग दिए तो सर्वथा मेरा ही नाम आएगा, क्योंकि देवताओं का राजा तो मैं ही हूँ। क्या कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं आप। आपकी वेदना से एक ओर जहां इंद्र का सिंहासन डोल गया, वही दूसरी ओर आपके कारण इस काशी नगरी का महात्म्य और बढ़ने वाला है। धन्य है ये काशी नगरी जो आप यहाँ पधारे। मैं आपका कथन समझ नहीं पाया देवर्षि। मैं भला भाग्यशाली कैसे हूँ? मैं काशी में शिव जी को अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने आया, परंतु मुझे शिव जी के दर्शन ही प्राप्त नहीं होते। और अब आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं?